नमस्ते फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। ये है मॉर्निंग का व्यू। आज रात को बहुत बारिश हुई थी। जैसे ही सुबह उठे तो बड़ा ठंडा मौसम हो रखा था। रात को बार बार लाइट भी है जो वो जा रही थी। और अभी मैं आ गई थी किचन में। ये जो सब्ज़ी पड़ी थी राजमा की, जो मैंने कल बनाए थे, इसको मैं सोच रही हूँ गर्म कर लूँ। तो इस साइड मैंने गर्म करने के लिए रख दिए। दूसरी साइड में दूध लेके आई थी, मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। अगर सुबह ही गर्म करके रख दूँ फिर बाद में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी को देना होता है। तो अभी बॉईल करके रख दूँगी, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर फ्रिज में रख दूँगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चिल्ला। जी हाँ, आज संडे है तो मैं सोचा चलिए ब्रेकफास्ट में चिल्ला बनाते हैं। आज कोई जल्दी नहीं है जाने की कहीं, इसलिए आराम से आज टाइम है। थोड़ा काम आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आराम से सारे काम करेंगे। वैसे हाउस वाइफ को क्या छुट्टी होती है, उसके तो 24 घंटे के काम होते हैं। और चलिए, मैंने बेसन ले लिया, इसमें हरी मिर्ची है जो मैंने वो डाल दी है। ये बहुत तीखी वाली मिर्ची सी जो मैं लेके आई थी। ये एक बड़े साइज़ का जो प्याज है इसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। अगर आप वेजिटेबल वगैरह इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया, मैंने नहीं ऐड किया फिर कुछ भी। और जीरा ऐड किया है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हो। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी एक पिंच के करीब, और थोड़ी सी इसमें मैंने देगी मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला है जो वो ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर सकते हो। ये हेल्थी ऑप्शन होती है सुबह ब्रेकफास्ट में। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है जो ऐड की है, और खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक बैटर जो है वो रेडी कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है आपको इसको मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने। ये देखो, ये एक गिलास पूरा पानी का था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और अच्छे से जो इसको मैंने वो मिक्स कर दिया है। चलिए बनाते हैं अभी इसको। एक साइड पे मैंने तवा रख दिया है और दूसरी साइड पे मैंने चाय रख दी है। मॉर्निंग में हम जो है चाय पी लेते हैं अब। और एक साइड पे चाय बनती रहेगी, गैस मैंने कम कर दिया, और दूसरी साइड पे मैं चिल्ला बनाऊंगी। ये जो सेंटर में तवा ख़राब हो रखा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि चिपके ना साथ में, और छोटे छोटे पतले से मैं जो है बनाऊँगी, बड़ी जल्दी बन जाते हैं। चलिए पास से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मोटा नहीं है, ये पतला सा बनाया है मैंने। और इधर ये है जो चाय है वो रेडी हो रही है। और अभी मैं साइडों में थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने से आपको जो है इसको पलटने में जो है वो आसानी हो जाती है। और बच्चे हैं जो बड़े खुश हो के इसको सॉस वगैरह के साथ खा लेते हैं, रेड सॉस के साथ या चटनी के साथ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इधर जो मेरी चाय है वो भी रेडी हो चुकी है। चलिए सबसे पहले मैं मुस्कान को दे देती हूँ ताकि वो साथ साथ खाए। थोड़ी सी चाय दे दी है, और साथ में केचप है, और साथ में एक मैंने उसको चिल्ला दे दिया है। और मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली है। मैं गिलास में चाय पीती हूँ स्टील वाले, मैं इसमें डाल ली है। ठंडी नहीं होती जल्दी, कप में ठंडी हो जाती है। और टीवी चला रखा था मुस्कान ने, मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर जो काम है हमारे डेली की रूटीन है वो हम शुरू करेंगे। और बाहर मौसम है थोड़ा, कभी धूप निकल रही है कभी ऐसे ही बारिश वाला हो रहा है। सबसे पहले मैं आ गई कपड़े धोने के लिए। ये मुस्कान की यूनिफॉर्म थी, सबसे ज़रूरी है। टाइम पे धो दूँगी तो सूख जाएगी, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, फिर सूखेगी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले कपड़ों से ही शुरू करते हैं। और अभी मैं धो रही हूँ, मशीन वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में लगाती हूँ। और कपड़े धोने के बाद मुस्कान ने थे जो डाल दिए, मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। मैंने सोचा फटाफट से जो है वो झाड़ू निकाल लेती हूँ। अभी भी अंदर रहता है तो अभी के बाल भी बड़े झड़ते हैं। आज ये ड्रेसिंग टेबल था, थोड़ा सा मैंने इसको ना हटाया आगे करा, और फिर इसके पीछे से भी जो बाल वगैरह डस्ट वगैरह थी वो भी मैंने निकाली। इसमें बहुत सारे अभी के बाल भी पीछे थे जो वो निकले हैं। ये देखो कितने सारे बाल हैं जो निकले हैं इसके पीछे से। सारी चीज़ें वैसे मैं आगे पीछे करके हिला के निकालती हूँ। तब तक मुस्कान ने देखो बाहर कपड़े थे जो वो डाल दिए थे, और रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से देखो कितनी रेत वगैरह आ रखी है। अभी इसको साफ़ करते हैं, धोते हैं। वैसे तो बारिश वाला मौसम हो रखा है, फिर भी ऐसे गंदा नहीं छोड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले मैंने बाथरूम वगैरह थे जो को क्लीन कर लिए, क्योंकि कपड़े वगैरह धो लिए थे। और मुस्कान को बोला था साथ में हेल्प करने के लिए, मैंने पानी डाला और मुस्कान को बोला था कि तू वाइपर लगा दे। मुस्कान ने फिर थोड़ा बहुत जो वाइपर है वो लगाया था, बट अच्छे से नहीं उससे हो पाया। फिर मेरे को जो खुद था वो मैंने खुद ही निकाला, बट थोड़ा अच्छे से थोड़ा कर दिया था उसने। बाद में मैंने अच्छे से फिर दोबारा से जो वाइपर है लगा लिया। देखो
पूरा आंगन है जो अच्छे से क्लीन हो चुका था। और मुस्कान आ गई थी फिर अंदर, मुस्कान बैठ गई पढ़ने के लिए, बोल रही थी बाद में नहाऊंगी। मैं कह कोई बात नहीं, पहले ये काम कर लेगी अपना स्कूल का। और अभी भी अंदर ही था, अभी ने भी अपना जो नाश्ता है वो कर लिया, अभी भी बैठा हुआ है ये, वैसे बाहर नहीं निकलता धूप में। चलो इनको इनका काम करने देती हूँ, अभी मैं चल जाती हूँ अपना अगला काम करने के लिए। मैं पहुँच गई हूँ किचन में, सबसे पहले मैं करूँगी अपनी टाइल वगैरह को साफ़, दीवारों को देखो अगर डेली डेली साफ़ करते हो तो कैसे चमक आ जाती है। डेली डेली थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारते रहना चाहिए, फिर ज़्यादा नहीं होता है काम। अगर आप नहीं डेली करते हो तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर दाग पड़ जाते हैं वो निकलते नहीं हैं। मैं साथ साथ ही है जो कपड़ा मारती रहती हूँ दो टाइम, एक टाइम मॉर्निंग में एक टाइम रात के टाइम पे भी मैं अच्छे से जो क्लीन करती है वो सोती हूँ, फिर मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होती। स्लैप वगैरह भी देखो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और जो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन होंगे मैं साफ़ करने के लिए रख दूँगी। बर्तन इसकी दादी ने साफ़ कर दिए थे, और अभी मैं ये जो कपड़े वगैरह बने हुए हैं इनको अच्छे से कपड़ा मार दूँगी ताकि ये भी चमक जाएँ। इस पर भी दाग वगैरह जैसे पानी वगैरह गिर जाए, आटा वगैरह के हाथ वगैरह लग जाते हैं, जैसे इसको खोलते हैं ना तो गंदे वगैरह हाथ लग जाते हैं, इधर बर्तन साफ़ करते हैं तो वो पानी वगैरह गिरता है साबुन वाला, इसलिए इस पर भी कपड़ा मारना अच्छा है। और अभी मेरा किचन है जो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल लिया, पोछा लग गया है। अभी चलिए डस्टिंग की बारी आ गई है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा भी एक बार घुमा देते हैं, जो झाड़ू वगैरह लगाने से थोड़ी बहुत ही डस्ट वगैरह इनके ऊपर पड़ी होगी। डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में तो आज मैंने नहीं की है, बाद में करूँगी सोचा था, अभी बाद में थोड़ा थोड़ा सा सारे में कपड़ा एक बार घुमा दूँगी। और जो सामान वगैरह इधर उधर मुस्कान ने बिखेर के रखा है उसको भी सेट कर दूँगी। डेली डेली बहुत डस्ट हो जाती है, और ये बाहर डाइनिंग टेबल है इसको भी मैं थोड़ा सा कपड़ा मार के साफ़ कर दूँगी। वैसे तो साफ़ ही है बट एक बार घुमा देती हूँ। अभी आ गई मैं बाहर वाले रूम में, ये रूम हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इधर मैं बस वीडियो वगैरह एडिट करनी हो तो इधर आती हूँ, क्योंकि इधर शोर वगैरह नहीं होता। जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है थोड़ी देर के लिए तो हम इधर बिठाते हैं उनको, और बैठने से जो कवर वगैरह थोड़े ख़राब हो रखे थे उसको मैंने थोड़ा सेट कर दिया, और बाकी झाड़ दिया, टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। ये भी रूम बाहर है तो इसके भी बहुत डस्ट आती है, और इसको भी डेली दो दो टाइम साफ़ करना पड़ता है। रूम पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इसके बाद नहाने से पहले मैं जाऊँगी किचन में और कर दूँगी दोपहर के लंच की तैयारी। आज ये साबुत उड़द की दाल है जो मैं बनाऊँगी। दाल बनाते टाइम इसमें नमक और हल्दी जो है वो मैंने ऐड कर दी है, और आपकी दाल उबले ना इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और ये जो मैं उड़द की दाल बनाती हूँ बनाते टाइम इसमें मैं ये मेथी दाना है ज़रूर डालती हूँ थोड़ा सा, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है दाल का। और साथ में चावल रख देंगे ताकि जल्दी हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि छुट्टी वाले दिन हम थोड़ा लेट भी उठें तो काम को टाइम पे हो जाए, इसलिए मैं दोनों साइडों पे रख लेती हूँ, एक पे दाल और एक पे चावल, और मेरा काम है जो जल्दी हो जाता है। और जब तक ये बने थे मेरा लहसुन प्याज वगैरह जो है वो रेडी हो चुका था फटाफट से, फिर मैंने तड़का वगैरह लगा दिया और टमाटर वगैरह डाल दिया, और इसी में जब मेरा तड़का फ्राई हो गया थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। ये देखो रेडी हो चुका है हमारा लंच। फैमिलीज़, आज था संडे और संडे के दिन थोड़ा सा लेट उठे थे, लेकिन सारा काम है जो मैंने पूरे टाइम पे कर लिया है। मुस्कान भी घर पे थी, उसने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी है, तो सारा काम है जो मेरा मॉर्निंग का वो फिनिश हो चुका है, और दोपहर के लंच की तैयारी भी मैंने कर ली है। अभी हमने लंच नहीं किया, अभी हमने नहाना है, नहाएंगे उसके बाद लंच करेंगे। सारा जो मेरा काम है रेडी हो चुका है, सारा काम कंप्लीट है, सारी चीज़ें जो मैंने हैं अपने खाने वगैरह की वो रेडी कर ली हैं। अभी हम फ्री हैं, अभी नहाए धोएंगे और पूरा दिन अंदर रहेंगे, फिर इवनिंग टाइम बाहर निकलेंगे। और ऐसे ही आपके साथ मैं अपने ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।